सी हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है, सी कंसंट्रेशन टू द पावर सी डी कंसंट्रेशन टू द पावर डी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर ए एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर बी, कैसी हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है ना, द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स, इट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट्स टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, तो ये कैसी हुआ, ठीक है। इसके लिए हम Kp भी लिख सकते हैं। Kp क्या है, अगर इन एक्टिव मासेस को हम पार्शियल प्रेशर्स की सूरत में लिख ले तो तब उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, वो प्रेशर पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, उसको हम Kc नहीं Kp कहेंगे, P मतलब प्रेशर, दैट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब मान लो ये जितने भी रिएक्टेंट्स है, ये रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट्स तमाम के तमाम गैसेज है, गैसेस की प्रेशर की खासियत होती है, उनके लिए हम लिख सकते हैं के सी जो है के पी के शेप में, इस तरह से के पी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया कंसंट्रेशन की सूरत में, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ प्रेशर्स की सूरत में, इसी तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शंस की सूरत में, उसको फिर हम के एक्स कहते हैं, मोल फ्रैक्शंस, मोल फ्रैक्शंस की सूरत में हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय टू द पावर सी मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टू द पावर ए मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ B टू द पावर B, सो जब हम ये प्रोडक्ट्स और रिएक्शंस प्योर मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में ले लेते हैं तब इसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। नंबर फोर, नंबर ऑफ मोल्स की सूरत में Kn उसको हम कहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C टू द पावर C मल्टीप्लाइड बाय नंबर मोल्स ऑफ D टू द पावर D डिवाइडेड बाय नंबर मोल्स ऑफ A टू द पावर A मल्टीप्लाइड बाय नंबर मोल्स ऑफ B टू द पावर B, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाई नंबर मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स जब हम ले लेते हैं तब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो मोल्स की सूरत में होता है, उसको हम कहते हैं के एन। अब इन तमाम के दरमियान आपस में रिश्ता क्या है, ये इसका क्या लगता है, चचाजाद बाई है, पोपो का लड़का है, क्या है, के पी एक्स का, के एक्स का क्या लगता है, बाई है, कजन है, क्या चीज़ है, के एक्स के एन का क्या लगता है, फ्रेंड लगता है या कोई, वो होगा के पी एंड के सी का, ठीक है। अब देखो ये के पी मैं लिख लेता हूं, के पी इज इक्वल टू ये है, ठीक है, पी सी टू द पावर सी मल्टीप्लाइड बाई पी डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाई पी ए टू द पावर ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी टू द पावर बी, ठीक हुआ। हमको पता है आइडियल गैस इक्वेशन से कि पी बी इज इक्वल टू एन आर टी, V को मैं इस साइड ले आता हूँ, N ओवर V हो जाएगा, N ओवर V नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, हमें पता है कि ये बराबर है C का जो है कंसंट्रेशन, सो P इज इक्वल टू, P इज इक्वल टू सी आर टी, ये बराबर हो गया, P की वैल्यू सी आर टी की बराबर है, तो इस P की वैल्यू सी आर टी यहाँ पर हम लगाएंगे, ठीक है। अब देखो C और D और A और B ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स है, इनकी कंसंट्रेशन C तो तब्दील हो सकती है लेकिन R और T ये दोनों कांस्टेंट है, इसलिए इसको लिखते वक्त हमको ये ख्याल रखना चाहिए कि के पी इज इक्वल टू ये सी सिर्फ सी के साथ लिखेंगे, सी सी और आर टी अलग लिखेंगे, टू द पावर सी सब बे लिखेंगे, ठीक है। आर और टी के साथ सी इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये तमाम के लिए, डी के लिए, सी के लिए, बी के लिए, ए के लिए, तमाम के लिए एक ही वैल्यू रखते हैं, सी जो होता है और डी जो होता है रिएक्टेंट, ए और बी जो होता है उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकती है, सो कंसंट्रेशन सी के साथ हम सी ए बी डी वगैरह लिखेंगे, सो सी सी आर टी टू द पावर सी, अब डी के लिए सी आर टी लगाए, ठीक है, तो सी डी आर टी सी आर टी, पी की जगह लग गया, ठीक है, और डी है टू द पावर डी डिवाइडेड बाय सी ए आर टी टू द पावर ए, पी बी की जगह सी बी आर टी टू द पावर बी, इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब के पी इज इक्वल टू ये सी डी सी ए सी बी को अलग कर लेते हैं, ये बन जाएगा सी सी टू द पावर सी मल्टीप्लाइड बाय
सी डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाय सी ए टू द पावर ए मल्टीप्लाइड बाय सी बी टू द पावर बी, ये पावर्स एन पर आ गए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आर टी, आर टी को हमने कॉमन दे लिया, सो ये बन जाएगा आर टी टू द पावर सी प्लस डी। रूल्स है ना, जब एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो वो जब एक्सपोनेंट वाले फैक्टर्स अप्लाई होते हैं तो उनके एक्सपोनेंट्स हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो सी आर टी एक ले लिया और सी और डी को जमा कर दिया, डिवाइड बाई यहाँ भी आर टी एक ले लेता हूँ और इसके एक्सपोनेंट्स को जमा कर लेता हूँ ए प्लस बी। अब के पी इज इक्वल टू, ये अपनी जगह गया सी सी टू द पावर सी मल्टीप्लाइड बाई सी डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाई सी ए टू द पावर ए सी बी टू द पावर बी, और ये बन जाएगा आर टी एक हम ले लेंगे, इसके एक्सपोनेंट को ऊपर ले जाएंगे, ये बन जाएगा सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको यहां पर लिख लेते हैं, ये बन जाएगा के पी इज इक्वल टू, देखो ये कंसंट्रेशन ऑफ सी और डी प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी है, इसका मतलब कि ये सी की जगह में वो बड़ी ब्रैकेट भी लिख सकता हूं, वो भी कंसंट्रेशन है, तो इसका मतलब ये एक्टिव मास ही दिखा रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सी ए, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को हम के सी कहते हैं, इसलिए इसकी जगह हम लगाएंगे के सी, सिंपल, ठीक है। आर टी अपनी जगह आ जाएगा और ये प्रोडक्ट्स के मोल्स से हम माइनस कर लेते हैं रिएक्टेंट के मोल्स, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स को हम इस तरह से लिखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स डेल्टा एन, ये बन गया रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी। बात यहां तक समझ में आ गई, अच्छा आगे पढ़ लेते हैं, अब है रिलेशन के पी एंड के एक्स का, ठीक है, के पी पे से लिख लेते हैं, के पी इज इक्वल टू पी सी टू द पावर सी मल्टीप्लाइड बाय पी डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाय पी ए टू द पावर ए मल्टीप्लाइड बाय पी बी टू द पावर बी। अच्छा अब वो डाल्टन लॉ यहाँ पर पुट करनी है, डाल्टन लॉ हमको क्या कहता है कि जितने भी कंपोनेंट्स एक मिक्सचर के अंदर होते हैं, इससे पहले आप पढ़ चुके हो ना, फर्स्ट ईयर में मौजूद है, आप पढ़ चुके हो, तो उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर बराबर होगा उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को अगर हम मल्टीप्लाई करें टोटल प्रेशर से, ये होगा उसका पार्शियल प्रेशर। अब देखो ये पी सी का मतलब है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, तो ये पी सी का पार्शियल प्रेशर बराबर होगा इस सी के मोल फ्रैक्शन एक्स सी मल्टीप्लाइड बाई टोटल प्रेशर पी के, तो पी सी इज इक्वल टू एक्स सी मल्टीप्लाइड बाई पी जो कि टोटल प्रेशर है, ये हमारे साथ डिराइव होता है फ्रॉम डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई पी डी का मतलब है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ डी जो कि बराबर है अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ डी को मल्टीप्लाई करें टोटल प्रेशर के साथ, पी डी इज इक्वल टू एक्स डी मल्टीप्लाइड बाई पी, ये हमको डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है, यहां पर डॉट लगा दूंगा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये वैल्यूज मैं इनकी जगह लगा लेता हूं, अब इसके ऊपर सी का पावर है, इसके ऊपर डी का पावर है, वो भी लगा लूंगा, डिवाइडेड बाय इस तरह से ही भी है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो ये हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर टू द पावर ए मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर, ये हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बी, ये डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर से हमने डिराइव किया है, ठीक है। जिसको डाल्टन लॉ याद नहीं आता वो डाल्टन लॉ पहले पढ़ लो, फिर ये आसानी के साथ समझ में आ जाएगा कि ये हम क्या कर रहे हैं। ये हो जाएगा के पी इज इक्वल टू एक्स सी पी टू द पावर सी एक्स डी पी टू द पावर डी एक्स ए पी टू द पावर ए एक्स बी पी टू द पावर बी। अच्छा अब क्या करेंगे, अब देखो यहां पर P को कॉमन लेंगे जिस तरह के उसमें आर टी कॉमन लिया था, और एक्स सी एक्स डी एक्स ए एक्स बी को अलग कर देंगे इस तरह से, के पी इज इक्वल टू ये बन जाएगा एक्स सी टू द पावर सी मल्टीप्लाइड बाय एक्स डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाय एक्स ए टू द पावर ए
मल्टीप्लाइड बाई एक्स बी टू द पावर बी, ठीक है। पी को अलग कर देंगे मल्टीप्लाइड बाई पी और सी प्लस डी बन जाएगा, सी प्लस डी डिवाइडेड बाई ए बन जाएगा पी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा, पी पी को कॉमन ले लिया। अब इससे भी एक पी को कॉमन लेंगे तो ये ए प्लस बी ऊपर चला जाएगा, तो ये इस तरह से बन जाएगा, देखो पी सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब हमको पता है कि एक्स सी टू द पावर सी, एक्स डी टू द पावर डी, एक्स ए टू द पावर ए, एक्स बी टू द पावर डी मोल फ्रैक्शंस हैं, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम मोल फ्रैक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, जो कि हम जाहिर करते हैं कि एक्स से, तो ये बन जाएगा के पी इज इक्वल टू के एक्स मल्टीप्लाइड बाई पी टू द पावर डेल्टा एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स को हम डेल्टा एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दूसरा रिलेशनशिप के एक्स और के पी के दरमियान बन गया, जो हम यहां पर लिख लेंगे के पी इज इक्वल टू के एक्स बराबर है पी टू द पावर डेल्टा एन के, के पी इज इक्वल टू के एक्स मल्टीप्लाइड बाई पी टू द पावर डेल्टा एन। ये इक्वेशन नंबर वन, ये रिलेशन नंबर टू, दो रिलेशन हमने डिराइव की है, तीसरा भी हम रिलेशन डिराइव कर देंगे यहां पर, ठीक है। वो होगा के पी और के एन के दरमियान इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। देखो अब गौर के साथ, रिलेशन बिटवीन के पी एंड के एन, अब फिर से लिख लो वही, ये लिख लेंगे, देखो ये स्टेप मैं ले रहा हूं, ठीक है। के पी इज इक्वल टू एक्स ए पी टू द पावर ए एक्स एक्स सी है, सॉरी एक्स सी पी टू द पावर सी, रिएक्टेंट्स तो नीचे हैं प्रोडक्ट्स ऊपर है, एक्स डी पी टू द पावर डी डिवाइडेड बाय एक्स ए पी टू द पावर ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स बी पी टू द पावर बी। ये इक्वेशन मैंने ले लिया, ठीक है। अच्छा अब नंबर, ये मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एन ए डिवाइडेड बाय कैपिटल एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स को हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन फॉर ए। तो हर एक मोल फ्रैक्शन की जगह ये वैल्यू आप लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा ये के पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय पी टू द पावर सी, ठीक है, एन सी डिवाइडेड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई पी। इस तरह से ये भी हो जाएगा एन डी डिवाइडेड बाई एन इन टू पी टू द पावर डी डिवाइडेड बाई एन, बोलो अब ए डिवाइडेड बाई एन इन टू पी टू द पावर ए, और इसी तरह से ये बन जाएगा एन बी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन इन टू पी टू द पावर बी, बन गया। अच्छा अब यहां देखो, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर ये कांस्टेंट रहेंगे, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो टोटल ही रहेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स इस मिक्सचर में तब्दील हो रहे हैं वो सी डी एन और एन ए और एन बी की है। तो ये एन में इस पी की, इस पी के नीचे लिख लूंगा ताकि आसानी हो सके हमको कन्वर्ट करने में, पी ओवर एन इस तरह से लिख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये पी यहां है वहां लिख लेता हूं, वैसे भी ये मल्टीप्लिकेशन में है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये पी मैं यहां से हटाकर वहां पर इंपोर्ट कर दूंगा, हो गया। अच्छा अब पी ओवर एन को कॉमन ले लेते हैं, इससे अलग करते हैं एन सी को, एन डी को, एन ए को और एन बी को, उसी तरह से जिस तरह से यहां पर किया था, इस तरह से हो जाएगा के पी इज इक्वल टू एन सी अलग हो गया टू द पावर सी मल्टीप्लाइड बाई एन डी अलग हो गया टू द पावर डी डिवाइडेड बाई एन ए अलग हो गया टू द पावर ए और एन बी अलग हो गया टू द पावर बी, एन बी अलग हो गया टू द पावर बी मल्टीप्लाइड बाई, कॉमन हमने ले लिया पी डिवाइडेड बाई एन, सी प्लस डी ऊपर हो गया, ए प्लस बी नीचे है, ऊपर अगर हम इसको लेंगे तो माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अब इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय नंबर मोल ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ मोल्स, मोल्स
के इस्तेला में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है, इसको हम के एन कहेंगे। सो के पी इज इक्वल टू के एन, ये असल में के एन है, तो के एन इसकी जगह हमने लगा लिया और ये अपनी जगह आ जाएगा पी ओवर एन टू द पावर डेल्टा एन, इस तरह से डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये तीसरा इक्वेशन, तीसरा रिलेशनशिप के पी के साथ के एन का हो गया, जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पी ओवर एन टू द पावर डेल्टा एन से। ये तमाम के तमाम रिलेशन हो गए, ठीक है। अब देखो, अगर हमारे साथ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल है, एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट जितने हैं उतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स भी है, ये बराबर है, ठीक है, तब क्या होगा? देखो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स को ही हम डेल्टा एन कहते हैं। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बराबर है तो बराबर माइनस बराबर इज इक्वल टू क्या आता है? जीरो। टू ये हो गया, टू ये हो गया, तो टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो इसलिए अगर किसी मिक्सचर रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट के मोल्स रिएक्टेंट के मोल्स के बराबर हो तो ये डेल्टा एन जीरो बन जाएगा, ठीक है। और जब भी किसी चीज़ का पावर जीरो बन जाता है, किसी भी चीज़ का पावर जीरो बन जाता है तो उस सारे चीज़ से वन बनता है, ये मैथमेटिक्स में आप सीख चुके हो। सिक्स टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन, फाइव टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन, फाइव मल्टीप्लाइड बाई टू टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन, एन मल्टीप्लाइड बाई थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन, एन नाइन मल्टीप्लाइड बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री माइनस फोर प्लस थ्री होल टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन। जो भी कर रहे हो उस तमाम फैक्टर्स के ऊपर अगर आप पावर जीरो ले लेते हो तो वो तमाम के तमाम वन बन जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये डेल्टा एन जीरो आ रहा है, जीरो क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स बराबर है, तो प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स हमने माइनस किया तो पीछे क्या रह जाएगा? जीरो रह जाएगा। जीरो रह गया तो आर टी भी वन बन जाएगा, पी भी वन बन जाएगा, पी एन भी वन बन जाएगा। अब ये तमाम के तमाम वन बन गए तो क्या होगा? ये वन बन गया, हटाओ इसको, ये वन बन गया, इसको भी हटाओ, ये वन बन गया, इसको भी हटाओ, तो पीछे रह जाता है के पी इज इक्वल टू के सी इज इक्वल टू के एक्स इज इक्वल टू के एन, तमाम के तमाम बराबर हो जाएंगे। सो वो रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज के लिए नोट कर लो कि वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट्स के मोल के बराबर हो उसमें के पी के एक्स के सी के एन तमाम के तमाम एक दूसरे के बराबर होते हैं।